हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें यहाँ से। राइट, अभी भी पूरा क्लच आपका नहीं दबा, देख रहे हो? इसी वजह से आपको दिक्कत होती है, समझ गए? इस वजह से ही आपको ये दिक्कत हो जा रहा है सर। नहीं नहीं दवाए कि नहीं दवाए? अरे मेरे भाई, तो गाड़ी बंद हो जाएगी आपकी, इसमें भरभीत होने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। जब किसी चीज को कह दिया गया पूरा दबाना, तो आप ब्रेक लगा रहे हो, क्लच नहीं दबा रहे हो, तो गाड़ी तो बंद होनी होनी है। लेफ्ट वाला पैर आपका ओनली क्लच के लिए रिजर्व है, तो उसमें भरभीत होने वाली कोई बात ही नहीं है। अब पहला गियर करोगे, अब यहाँ से राइट जाना है भाई। गाड़ी खड़ी होने से पहले आपको पूरा क्लच दबा लेना चाहिए, ताकि इंजन बंद ना हो। भाई बाइक चलाते हो आप, गाड़ी रुकने से पहले क्या दबाते हो, क्लच या ब्रेक? क्या दबाते हैं? अगर गाड़ी आपकी पहले गियर में चल रही है, आप चौराहे को खुरम नगर को क्रॉस कर रहे हैं और अचानक कोई सामने आ रहे हो, तो खाली ब्रेक दबाते हो या क्लच दबा के ब्रेक? नहीं, क्लच दबा। तो मेरे भाई वही तो इसमें करना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, काहे नहीं समझ पा रहे हो? राइट और कॉल का इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये एकदम कूल है भाई। जो वही सेम चीज बाइक वाला कंसर्ट है इसमें, लेकिन अगर क्लच टाइम पे नहीं दबाओगे तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। अब यहीं से राइट जाना है स्लो करके, अपना लेफ्ट दबा के, क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई, थोड़ा लेफ्ट दबा के पूरा क्लच ले लेंगे सर ना। हाफ क्लच, पूरा क्लच लोगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। बस अब टर्न करो फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ बस अब रुको यहाँ पे, देखो पिछला टायर देखो, राइट वाले मिरर को चेक करो। पिछला टायर दिख रहा है, कहाँ गया? नालिम गया? नालिम गया, गया? पक्का? थोड़ा सा गिर गया, कोई बात नहीं। लेफ्ट घुमाओ स्टीयरिंग, अब इसको थोड़ा सा हाफ क्लच में हल्का एक्सीलेटर लेके निकल जाएगी। जाओ हल्का एक्सीलेटर लो और क्लच छोड़ो। भाई क्लच तो छोड़ोगे चौधरी साहब? आओ लेफ्ट, लेफ्ट आओ। अरे मेरे भाई आप गड़बड़ कर रहे हो, अब निकल जाने दो फॉर्चूनर वाले को, आपने गड़बड़ कर दिया। दबाओ राइट, दबाओ अपनी गाड़ी, जाओ बड़ा हल्का सा। बस बस अब रोक लो। हाँ। बढ़ाओ, यही चीजें तो समझनी है मेरे भाई। दौड़ाना तो कोई भी दौड़ा सकता है, देखो ब्रेक नहीं छोड़ रहे हो, गाड़ी कैसे बढ़ेगी भाई? क्लच और ब्रेक को दोनों को मैचिंग करना है, यही सी गली में लेफ्ट। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कब क्लच छोड़ना है, कब ब्रेक छोड़ना है, समझ रहे हो भाई? क्लच और ब्रेक का दोनों का मैचिंग करना, जब क्लच छोड़ रहे हो तो ब्रेक नहीं छोड़ रहे, जब ब्रेक छोड़ रहे हो तो क्लच नहीं छोड़ रहे हो। हल्का लेफ्ट आ जाओ, ओडी आ रही सामने, हल्का लेफ्ट दबा लो ताकि वो निकल जाए। हाँ जाओ जाओ, वो निकल जाएगी, जाओ खिसकाओ धीरे धीरे। हाँ ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, आओ लेफ्ट और लेफ्ट आओ। हाँ बस अब राइट को जाने दो धीरे धीरे, चलो खिसकाओ राइट को हल्का। हाँ बस इतना ज्यादा एकदम स्टीयरिंग का एकदम दही मत बनाया करिए, प्यार से घुमाया करिए। लेफ्ट आओ, हर जगह इतनी ताकत नहीं लगानी होती, समझ रहे हैं? अब हल्का सा राइट दबा के निकालना है। हाँ ये सामने देखो क्रेटा खड़ी, इधर स्कूटी भी खड़ी, ध्यान देना। लेफ्ट आओ और लेफ्ट, बस सीधी करो, बस हल्का लेफ्ट आओ। हाँ राइट वाला पैर कहाँ था इस टाइम? ब्रेक पे है। और लेफ्ट वाला क्लच पे है, बस इसी पे होना चाहिए क्लच। अब यहाँ क्या लग रहा है, गाड़ी निकल पाएगी? पोल है और इधर कार है, हल्का राइट दबा के निकालो। बस अब लेफ्ट आ जाओ अपना, बस अपने लेफ्ट वाले मिरर को चेक किया करो, ताकि पता तो चले गाड़ी पूरी निकली या नहीं निकली, समझ रहे हैं? अब यहां से राइट जाना है, सिग्नल राइट वाला पैर ब्रेक पे, हल्का लेफ्ट दबा के फिर राइट टर्न करना, ताकि राइट साइड वाला हिस्सा पार्क में ना टकराए। लेफ्ट आओ, हाफ क्लच पे गाड़ी का इंजन जो है ना 50% फ्री हो जाता है। अगर गाड़ी आप सेकंड गियर में चला रहे हो और वहां पे हल्का सा आपने हाफ क्लच ले लिया, तो गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा, गाड़ी धीमी। एक होता है ब्रेक से गाड़ी को स्लो करना, एक होता है इंजन से। अब यहाँ से राइट जाना है, सिग्नल दो राइट का। हाँ हाँ बस धीरे से अभी, हाँ राइट टर्न करना, आराम आराम से टर्न करो, चलो जाओ धीरे धीरे, चलो घुमाओ। हाँ सीधी करो, जब आप सीधी करते हो तो आप इस मिरर को क्यों नहीं चेक करते हो भाई? जब गाड़ी को टर्न करने के बाद सीधी करते हो तो इस मिरर को क्यों नहीं चेक करते हो? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेफ्ट साइड का जजमेंट आपको राइट वाले मिरर में दिखेगा? कहाँ खोए हो मेरे भाई?
जो लेफ्ट साइड का जजमेंट है वो लेफ्ट साइड दिखेगा, राइट साइड का जजमेंट राइट साइड दिखेगा। अब देखो लेफ्ट वाले ओआरबीएम को चेक करोगे तो दिख रहा है ना लेफ्ट में जो रैंप है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये देखो ये राइट में दिखेगा नहीं दिखेगा, तो इसके लिए बार बार लेफ्ट वाले ओआरबीएम को डालने की नजर, देखने की नजर डालनी पड़ेगी। अब देखो लेफ्ट वाले ओआरबीएम को चेक करो, देखो दिख रहा है लेफ्ट में जो कार खड़ी है डस्टन को, उसमें और तुम्हारी गाड़ी के बीच में कितना स्पेस है, 2 से 2.5 फीट का। इसको समझने के लिए बार बार अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को चेक करना पड़ेगा, जो कि आपकी नजर नहीं आती इसमें भाई, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है। अब यहां से हमें राइट जाना है तो अपनी गाड़ी पहले अपनी लेफ्ट लेके आओ, लेफ्ट दबाओ, अब आगे जाके एकदम लेफ्ट सटा के राइट टर्न करना कि ताकि अगर राइट साइड से कोई गाड़ी आ जाए तो वो डिस्टर्ब ना करे। जाने दो धीरे से, हाँ बस सीधी करो, हाँ बढ़ाओ धीरे से, हाँ अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, गुड। झटके से एड़ी को हमेशा नीचे टच रखो तो गाड़ी में जर्किंग कभी भी नहीं आएगी। अब क्लच का काम खत्म हो गया तो क्लच को फ्री रखो, पैर उसी पे रखो भाई, अभी इतने परफेक्ट आप नहीं हो कि सेकंडों में क्लच से एक्सेलेटर और ब्रेक को चेंज कर लो। अब यहाँ पे हाफ क्लच लेके थोड़ा ब्रेक लो क्योंकि मेन होल का पॉइंट आ रहा है, ऐसे हाफ क्लच पे। फिर जरूरी नहीं कि आप बार बार ब्रेक से एक्सेलेटर पे जाओ, लेकिन क्लच वाला कंसर्ट मेन होना चाहिए। अभी यहाँ से राइट जाना है, राइट हाँ, सिग्नल दो, हाँ, और गाड़ी अपनी लेफ्ट रखो। बीच रोड पे चला रहे हो, सामने से अगर कोई गाड़ी आ गई तो क्या करोगे? मान लो अभी यहाँ से कोई कार आ जाए, कोई बता के तो आएगा नहीं, फिर बिफोर 100 मीटर पहले प्लानिंग करके चलो। अभी भी आपने थोड़ा गलत ही टर्न करा, राइट ही दबा के टर्न करा जो कि लेफ्ट दबा के, फिर यहीं से राइट जाना है। इसको पहले गियर में करो क्लच दबा के, ये तो गियर ही नहीं लगा है, न्यूट्रल हो गई है भाई। हाँ बस यहीं से राइट, चलो जाओ धीरे धीरे। और जरूरी नहीं कि हर बार मैं टोकू की गियर बदलो भाई, मेरे इतने दिन चलाते हो गए ना, कुछ ऐसा पॉइंट फर्स्ट गियर कहाँ पे डालोगे, किस पॉइंट पे डालोगे? नहीं वो तो इधर तो डालोगे, लेकिन कैसी सिचुएशन पे डालोगे? जब मोड़ आएगा या टर्निंग पॉइंट जहाँ नैरो, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो करनी होती गाड़ी। अभी स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, चलो तो झटका नहीं आना चाहिए मेरे भाई, जब गियर चेंज करते हो तो जर्किंग नहीं आनी चाहिए। अभी लॉन्ग हॉर्न पुश करो और लेफ्ट का सिग्नल दो, क्लच दबा के फर्स्ट गियर कर लो, चलो फिर लग गया, हाँ हल्का सा ब्रेक लो, हल्का सा ब्रेक लेके तुम बस जाओ धीरे धीरे, ब्लाइंड टर्न है। अब यहाँ मैंने इसलिए गाड़ी स्लो कराई थी क्योंकि यहाँ पे क्रेटा खड़ी रहती है बगल में लेफ्ट साइड में, ठीक है, इसलिए गाड़ी अब स्लो है तो बहुत आसानी से कंट्रोल हो रही है। अगर अभी यही सेकंड गियर में होती तो क्या होता, भाग रही होती, हड़बड़ा रहे होते आप, यहीं से लेफ्ट जाना है। तो जितना कूल माइंड से इसको समझोगे ना उतना अच्छे से चला पाओगे, बस एक ही बार हॉर्न बजाना, ज्यादा नहीं। अपना लेफ्ट दबा के टर्न करो धीरे धीरे, हाँ बस लेफ्ट ही रखो, चलो और लेफ्ट आओ, हाँ लेफ्ट ही रखो लेफ्ट, हाँ चलो जाने दो धीरे धीरे। अभी हल्का सा स्पीड लो, पहले एक्सीलेटर लो 20 की स्पीड में जाओ, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर। माय डियर जब गियर चेंज करते हो तो यहाँ पे हाथ क्यों नहीं लाते हो, स्टीयरिंग पे इस पॉइंट पे हाथ क्यों नहीं लाते हो? 12 o'clock घड़ी में जहाँ 12 लिखा होता, 12 कहाँ लिखा होता है घड़ी में? उस हाथ से, उल्टे हाथ से बता रहे हो। अभी सपोज करो जैसे गाड़ी यहाँ पे रोकनी है आपको, स्टॉप करो पूरा क्लच देन ब्रेक, रुक गई। अब ये बताइए रोकने के टाइम आपने किसी राइट वाले ओआरबीएम, लेफ्ट वाले ओआरबीएम, लुकिंग ग्लास, इन तीनों शीशे में किसी पे नजर डाली बताइए जरा, डाली? अगर आपके पीछे कोई होता तो मैंने क्या कहा, रोकना है यहाँ पे, लेकिन देखने की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे तो दिख ही रहा है पीछे कोई नहीं है, है ना, लेकिन ऐसे में क्या होगा, पीछे वाला भेड़ा देगा। तो गाड़ी रोकने से पहले इन तीन जगह आपकी नजर जानी चाहिए। अब इसको फर्स्ट गियर में करो, हाँ अब पहले ब्रेक छोड़ो, फिर हाफ क्लच छोड़ो, धीरे से गाड़ी को बढ़ा लो, और यहाँ से हमें चलना है लेफ्ट, सिग्नल दो, हाँ और अपना लेफ्ट ही दबा के रखो ताकि राइट साइड से कोई अगर व्हीकल आए, लेफ्ट रखो लेफ्ट, कहाँ राइट भागे जा रहे हो? चलो इतना ज्यादा राइट नहीं दबाते कि दूसरा बंदा भी उसको दिक्कत हो जाए।
चलो अभी स्टीयरिंग सीधी हो गई, जाओ स्पीड बढ़ाओ, हाँ जाने दो धीरे धीरे, धीरे धीरे जाने दो, हाँ अब पूरा क्लच दबा के सेकंड गियर करो, लेफ्ट लाके पीछे खींचो, चलो क्लच को फ्री करो, हाँ हल्का राइट रखो, अब लेफ्ट का सिग्नल दो यहीं से, हाँ हाफ क्लच हॉर्न, ब्रेक पे पैर रख ले, जब हाफ क्लच दबाओगे ना तो अपने आप इंजन से गाड़ी धीमी हो जाती है, टर्न करो, समझ रहे हो, एक होता है ब्रेक से धीमी करना, एक इंजन से धीमी, सीधा चलना है और अपनी लेफ्ट ही रखो गाड़ी, बस जाने दो, गुड। और ये हाथ, हाथों को ना हल्के हाथों से पकड़ो, उल्टा कर रहे हो, हाथों से ताकत ज्यादा लगा रहे हो और पैरों से कम लगा रहे हो, क्लच से ज्यादा ताकत लगानी है, जाने दो धीरे धीरे, अभी यहीं से राइट जाना है, सिग्नल दो राइट का, फर्स्ट गियर में कर लो इसको, स्लो करके हल्का लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना, जाने दो, थोड़ा इधर लेफ्ट दबा के टर्न करोगे तो राइट साइड में नाली में गाड़ी नहीं जाएगी, अभी नहीं अब टर्न करो, बस इससे ज्यादा नहीं, बस सीधी करो फटाफट, नहीं तो उधर मोमोज में, अरे कर दिया था ना कांड, सीधी करने में आपने टाइम लगा दिया, राइट रखो हल्का, जहां ढलान है थोड़ा सा ब्रेक लेके नीचे उतारो, हल्का सा ब्रेक लेके, लेफ्ट आओ, इसकी इनोवा नहीं हो जाएगी फिर, अब यहां से फिर हमें लेफ्ट चलना है, इन सब गलियों में देखिए, क्या नाम है आपका, विकास जी, इन सब गलियों में अगर कार चलानी आ गई ना तो हर जगह चला लेंगे, सीधा सीधा चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पे हर 20 मीटर 50 मीटर पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है, कहीं पे लेफ्ट जाना है, कहीं राइट जाना, कभी गियर चेंज करना, कभी एक्सेलेटर लेना, कहीं ब्रेक लेना, तो उससे क्या है ना सारी चीजों की प्रैक्टिस हो रही है, अभी यहाँ से राइट जाना है, हल्का लेफ्ट ऑफ, यहाँ से राइट जाना है, सिग्नल अब राइट टर्न करो, हाँ यहीं से, बस इससे ज्यादा मत घुमाओ स्टीयरिंग, देख रही गाड़ी कितनी मस्ती से चल रही है, पहले गियर में चल रही है, इस पूरी कॉलोनी को आप फर्स्ट गियर में चला सकते हो, दौड़ा सकते हो गाड़ी, समझ रहे हो, सेकंड गियर वहां जरूरत होता है जहां पे गाड़ी को और थोड़ा सा स्मूथ चलाना है, अभी यहां आपको सीखना है, समझना है, अब यहां से लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना है, हल्का लेफ्ट दबा के रखना, गुड, अब यहां से लेफ्ट जाना है, अपना लेफ्ट ही दबा के रखो, अब देखो यहाँ पे एक नई चीज सिखाता हूँ मैं आपको, कल जो आपने वहां पे रायता फैला दिया ना, आओ खिचड़ी बनाते हैं, लेफ्ट आओ मिलके दोनों लोग, आओ सीधी करो गाड़ी सीधी, अब स्टॉप करो, पूरा क्लच देन ब्रेक, फुल क्लच दबाओ और हल्का सा ब्रेक, बस अब देखो मुकेश जी यहाँ पे है ढलान, ये गाड़ी है स्लोपिंग पे, है ना स्लोपिंग पे, तो ऐसा मान लो, सपोज करो ये हम मुंशी पुलिया की किसी ऐसी रेड लाइट पे खड़े हैं जहाँ पे ढलान वाला एरिया है, अब सामने रेड लाइट है, आपके आगे 50 मीटर पे गाड़ियां एक लाइन से लगी और पीछे भी गाड़ियां एक लाइन से लगी, अब आप खड़े हो गए, अब आपके पीछे गाड़ियां और आगे गाड़ियां, अब आगे रेड लाइट से हो गई ग्रीन लाइट, अब गाड़ी आपको आगे बढ़ानी है और गाड़ी एक इंच भी पीछे नहीं जानी चाहिए, तो क्या करोगे आप, पहले सब एक्सीलेटर छोड़ेंगे, एक्सीलेटर छोड़ेंगे, क्लच पहले क्लच छोड़ेंगे, पहले हाफ क्लच छोड़ोगे, उसके बाद ब्रेक से पैर हटाओगे, जब गाड़ी का इंजन और गाड़ी में गियर होना चाहिए फर्स्ट, तो अभी आप पहले धीरे धीरे क्लच छोड़ो, ब्रेक नहीं छोड़ना एक इंच, हाँ धीरे धीरे रिलीज करो, बस अब ब्रेक छोड़ो, हाँ बस बढ़ गई, फिर पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक लो प्यार से, गाड़ी ऐसी एक इंच भी झटका भी ना है, एक इंच भी, इस चौराहे को कम से कम 4 से 5 बार गाड़ी रोक रोक के आपको बढ़ाना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, इसको बोलते हैं अप हील स्लोपिंग पे, गाड़ी को रोक रोक के चलाना, ठीक है, चलो फिर वही चीज, हाफ क्लच छोड़ना, जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगे
बस अब ब्रेक छोड़ो, और एक सेकंड भी ब्रेक छोड़ने स्टॉप करो, एक सेकंड भी ब्रेक छोड़ने में लेट हो जाओगे तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, क्योंकि क्लच ज्यादा रिलीज हो जाएगा, ब्रेक कम होगा तो इंजन हो जाएगा बुझ जाएगा। बस इंजन के साउंड को सुनना है, गुड स्टॉप, झटका ना लगे, ठीक है। अब जरा एक बार ब्रेक छोड़ो, हाँ छोड़ दो ब्रेक, क्लच पूरा दबाए रहना, क्लच दबा लिया पूरा, ब्रेक छोड़ दिया जी। गाड़ी अटक गई कहीं पे, गाड़ी पीछे नहीं जा रही है जी। चलो थोड़ा सा आगे लो, अभी जाएगी, हाँ, और जाओ और जाओ और जाओ, अब रोक लो पूरा क्लच, धीरे ब्रेक, अब ब्रेक छोड़ो, हाँ छोड़ो ब्रेक, छोड़ दो ब्रेक, हल्का राइट दबाओ स्टीयरिंग, हल्का राइट दबाओ, हाँ हल्का सा, और स्टॉप, बस। अब देखो लेफ्ट आपकी बहुत ज्यादा गाड़ी आ गई थी ना, ये देखो टकरा जाएगी फिर। अब इसको फर्स्ट गियर में करके, फर्स्ट में तो ऑलरेडी है ही है, वही हाफ क्लच छोड़ के गाड़ी को फिर बढ़ाओ, जाओ धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, गुड। अब लेफ्ट चलना है हमें, चलो बढ़ा लो पूरी गाड़ी, बढ़ा लो, छोड़ो क्लच, अब फिर क्यों दबा लिया भाई मेरे क्लच, टर्न करो। एक बार गाड़ी गियर में अगर एक्टिव होगी तो उसको फिर डीएक्टिवेट नहीं करना, जैसे वापस क्लच दबाओगे इंजन फिर फ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। चलो अभी स्पीड मेंटेन करो, जाओ बढ़ाओ धीरे से, हाँ, और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फुर्ती से, गुड। अब इसको मेन होल को दोनों टायरों के बीच में करो, दोनों टायरों के बीच में, ये इसमें जो कॉलर लगा होता है साइडों में उससे टायर कट जाता है, मेरी गाड़ी के कई टायर खराब, इसको ऑन, हल्का सा लेफ्ट आओ, रैंप पे मत चढ़ाना, हाँ ये टायर रगड़ के फट जाएगा साइड से, समझ रहे हैं। अभी यहां से लेफ्ट जाना है, अभी लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, और क्लच और ब्रेक पे पैर रख के रहना, दबाना ना दबाना एक अलग। अब इसको फर्स्ट गियर में कर लो, गुड, क्लच को रिलीज करो ताकि गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए, हल्का राइट दबा के रखना, वरना ये चैम्बर जो बना है इससे टायर कट जाएगा आपका, ये बहुत खतरनाक चैम्बर है। लेफ्ट टर्न करो, टर्न करो, कई लोगों के टायरों का बैंड बच चुका है इसमें, समझ रहे हो, जाओ धीरे से, हाँ चलो बढ़ाओ धीरे से, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट, गुड। झटका नहीं आना चाहिए माय डियर, ये देखो, ये देखो अभी देखा क्या सीन हुआ है, ये देखो, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी फुल इंश्योरेंस है, ध्यान रखना इस बात का, प्यार से एकदम। और स्टीयरिंग को बहुत लाइट पकड़ो, क्लच तो नहीं दबाए, हाँ क्लच, अब क्लच का रोल खत्म है तो डेड पैंडल पे पैर रख लो, ये इस तरीके से। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।